हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के अपडेट के बारे में, ठीक है। और बात करेंगे कि नीट 2021 है ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इन सब बातों पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास सारी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है नीट 2021 की वो आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ आपने नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद। तो देखो जी, नीट एग्जाम में बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। तो उसके लिए सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सेंटर्स भी होने चाहिए, साथ साथ सिटीज भी होनी चाहिए। नीट 2020 में क्या हुआ था, जो बहुत सारे सेंटर्स थे वो तो थे, लेकिन सिटीज कम थी, यानी कि एक ही सिटी में बहुत सारे सेंटर बना दिए गए। तो उससे क्या हुआ था, जो दूर से आने वाले बच्चे होते थे जिनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता था एक सिटी तो टू दूसरी सिटी, ठीक है, तो उनसे उनका टाइम भी बहुत वेस्ट होता था, कईयों से तो एग्जाम छूट भी जाता था। तो इस बार अभी क्या हुआ है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है एनटीए को कि आपने अभी तमिलनाडु में सेंटर्स और बनाने हैं अलग अलग सिटीज में, ठीक है। तो सेंटर्स तो पहले थे लेकिन अब अलग अलग सिटीज में बनाने हैं। तो अभी हाई कोर्ट ने कहा है ये तमिलनाडु को, ठीक है। और भी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे हाई कोर्ट का जो आदेश है वहां पे जा रहा है। तो जैसे ये सेंटर्स बढ़ेंगे, ठीक है, और सिटीज बढ़ेंगी, तो उसी के हिसाब से जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, सेंटर नहीं होंगे ना तो दिक्कत बहुत सारी हो सकती है, सेंटर नहीं होंगे, सिटीज नहीं होंगे, जब तक ये सारी चीज़ें अरेंज नहीं हो जाएगी तब तक एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता। तो उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी नहीं आ सकती। तो जैसे ही सारी सिटीज़ अभी कंफर्म हो जाएंगी उसके बाद ही जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो भी रिलीज़ कर दी जाएगी। मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा वीडियो डाल के जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब बात करते हैं नीट 2021 के पोस्टपोन के बारे में, क्या वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है अभी टेंथ के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, और जो ट्वेल्थ के एग्जाम्स हैं उनकी अभी डेट नहीं आई है, ठीक है। वो जैसे ही पता चल जाएगा मार्च के लास्ट में कि वो कब आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, अगर कराए जाएंगे भी या नहीं कराए जाएंगे, या उसको भी टेंथ की तरह कैंसिल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो नीट पीजी है 2021 में जो भी कंडक्ट होना था वो कैंसिल कर दिया गया है। और अब बच्चों को ऐसा लग रहा है कि शायद नीट जो यूजी 2021 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन देखो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। पोस्टपोन जरूर हो सकता है लेकिन आपको उसको सोचने के लिए इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, चाहे वो आपको सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में, आपको उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी तैयारी इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आपको जब भी वो एग्जाम हो आप उसको वहां पे जाके फाड़ सके एग्जाम को, ठीक है। तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, जैसी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी पोस्टपोन को लेकर मैं आपको वीडियो डाल के अपडेट करता रहूंगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखो, जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि जो नीट 2021 है वो पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, नीट 2021 यूजी पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो होना चाहिए तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, यस लिख देना। अगर नहीं चाहते, नहीं होना चाहिए पोस्टपोन, तो नो लिख देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।